जी नमस्कार, मैं हूँ सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आज हम बात करेंगे झारखंड की नियोजन नीति पर। झारखंड की नियोजन नीति पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी फैसला आई है और यह फैसला जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भी प्रभावित करेगी, इसलिए यह खबर उन छात्रों को जानना ज़रूरी है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इस नियोजन नीति में क्या था, तो झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने की बाध्यता जो राज्य सरकार ने 2021 में बनाई थी उस बाध्यता को खत्म कर दी गई है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने डबल बेंच में अपने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इसे रद्द होने से नौकरी में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास की बाध्यता खत्म हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की 7 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या है पूरा मामला ये हम आपको बताते हैं कि रमेश हंसदा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा JPSC नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यह बिल्कुल गलत निर्णय सरकार की है और इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश नहीं होगी। उनकी मांग थी कि भाषा के पेपर में से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था जबकि उर्दू, बंगला और उड़िया को शामिल किया गया है। इन शर्तों के कारण JSSC के नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस नियमावली को रद्द किया जाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से नए सिरे से नियुक्ति करने के संबंध में भी कहा है। हाईकोर्ट ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इस नियमावली से जितने भी विज्ञापन हुए हैं उसे भी खारिज माना जाएगा क्योंकि मामले की सुनवाई के समय पूर्व में ही कोर्ट ने कह दिया था कि इस नियुक्ति और विज्ञापन प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अब नए सिरे से नियुक्तियों संबंधित विज्ञापन निकाले जाएंगे जिसके आधार पर ही नए सिरे से नियुक्तियां होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी JSSC और JPSC द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। तो ये पूरा फैसला हाईकोर्ट ने जो दिया है वो हम आपको बताए हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार के द्वारा नियोजन नीति लाई गई थी रघुवर सरकार के द्वारा वो नियोजन नीति सही थी और ये सरकार सिर्फ लटकाने और भटकाने के लिए कार्य कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला जब हाईकोर्ट के द्वारा आया है और जब इस नियोजन नीति पर रोक लगा दी गई है तो सियासत भी होना लाजमी है। अब शीतकालीन सत्र भी होना है और इस शीतकालीन सत्र में अब सरकार, क्योंकि ये भी एक मुद्दा, अहम मुद्दा उभर करके आ रहा है क्योंकि लाखों छात्र जो है कई साल से नियुक्तियां की मांग कर रहे थे, अब मौजूदा सरकार के साथ में ये पेशमपेश की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है इस फैसला से कि अब आगे वो कितने जल्दी ये नियोजन नीति लाते हैं, इस पर आगे सरकार की क्या स्टैंड होती है, क्या सरकार इस निर्णय को चुनौती देगी या नहीं, ये तमाम बिंदुओं पर हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।